दोस्तों स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू व्लॉग के अंदर। और भाई आज नहा धो के रेडी है, सुबह के बज रहे हैं 11। और भाई अभी हम जा रहे हैं किसी स्पेशल जगह में, और वो स्पेशल जगह बहुत अच्छी है क्योंकि आज किसी का बर्थडे है और हम वहाँ जा रहे हैं सेलिब्रेट करने के लिए केक वेक लेके। तो ये अपनी गाड़ी ना दो के रेडी, इसको भी आज सुबह नहला दिया था, छाड़म खड़ी कर दी थी। इससे पहले अपन भर लेते हैं इसके अंदर पानी की बोतल, भरी हुई है इसको खाली कर देते हैं। और इसके अंदर थोड़ी वैसे हो रही है, क्या बोलते हैं, गर्माश हो रही है धूप के कारण, तो उसका भी कुछ इलाज करते हैं। एक मिनट, एक कैमरा इसको ले, इसको खुले रहने दो। तो भाई इसको भर लेता है पानी की बोतल को और फिर चलते हैं, क्योंकि भाई गर्मी बहुत पड़ती है तो पानी भी ज़रूरी होता है पीने के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है, पिया करो सब। पानी की बोतल भी भर चुके हैं हम, और अभी अब निकलते हैं। मैंने राहुल को भी कॉल कर दिया था कि रेडी हो जा, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, और आयुष भी रेडी हो चुका है। तो शेविंग वेविंग करा के रेडी हो चुके हैं हम। और भाई देखो, ये भाई भी करवा लिया शेविंग, स्मार्ट स्मार्ट बन गए आज, स्मार्ट स्मार्ट बन गए दोनों भाई। यार गोरे भी लग रहे हैं यार, यही तो है ना यार, वो बाहर निकलते काले हो जाते हैं, वैसे गोरे तो हैं पर धूप में निकलते हैं ना ब्लॉग बनाने के लिए, वही तो काले हो जाते हैं गाइस हम, फिर गोरे हो जाते हैं। ये तो अंदर बैठा बैठा भी काला ही हो रहा है, ऐसे बोल रहा है कि मैं काला हो गया, पर भाई मैं तो हो गया ऐसे लग रहा है मेरे को। और भाई मैं आपको बता दूं, हम जा रहे हैं काका जी के, आज काका जी का बर्थडे है तो वहाँ सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। मेरे तो फर्स्ट टाइम है, मैं फर्स्ट टाइम ही जाऊँ। और भाई हमारे साथ आयुष भी जा रहा है, तो वो पहले जा चुका है, तो हमें मिल चुका है वो। वैसे हमें पता नहीं था कि काका जी का बर्थडे है कल, क्योंकि रोहन से उनके बेटे से तो बात हो गई थी हमारी कल जाने की, कि हम आएंगे दोनों मैं और आयुष। फिर उसके बाद में कोई अड़ा तोड़ी थी आवाज किसी, तो उसके बाद फिर सुबह मैंने स्टोरी देखी काका जी की, इनकी रिपोस्ट की और बर्थडे है सेलिब्रेट कर रहे। तो अभी लेट्स, अभी केक वेक लेंगे उनके लिए। ताजा कर देता हूँ मैं, याद है जो इस स्कूल में पढ़ा हुआ है, हम तो पढ़े हुए नहीं है पर एक दो को उधर से पैट पैट देने लग जाते हैं। सचिन देख ले तेरी स्कूल। गुड मॉर्निंग हो रखी है, गुड मॉर्निंग हो रखी है। आज आज काका जी का बर्थडे तो सब इस कर दो, सेलिब्रेशन के लिए भी जा रहे हैं और मिलने भी जा रहे हैं। हाँ अपने को तो पता नहीं था ये सीन, केक कहाँ से लोगे ये बताओ। हाँ तो गाइस देख लेंगे, रास्ते से ले लेंगे, रास्ते भी आएगी ना बेकरी, तो रास्ते में बेकरी आएगी भाई। तो गाइस अभी वहीं चल रहे हैं, पहले गाड़ी में फ्यूल व्यूल भरवा लेते हैं, क्योंकि ये भी तो जाएगी, पानी से तो चलती नहीं है, तो अभी सबसे कंट्री होगी, पैसे करेंगे इकट्ठे। अब देखो इसका मुंह उतर गया, पीछे वाले का मुंह उतर गया, देखो हम ये सोच रहे थे कि काका जी को क्या गिफ्ट दे यार, गिफ्ट दे भी या ना दे, क्योंकि आज बहुत सारे लोग आएंगे वहाँ पे, मेरे तो मैं आएंगे, लोग तो आएंगे यार, बहुत गिफ्ट लेके आएंगे। और अपने को अपन भी दे सकते हैं गिफ्ट, क्यों नहीं दे सकते आप बताओ। देखो मैं हम कंफ्यूज है, क्योंकि उनकी ना तो पसंद पता है हमें और ना हमें पसंद करना आता है। मैं बताऊं भाई कि उनको क्या पसंद है, क्या पसंद होगा, बलेनो दिएंगे, गाड़ी दिएंगे उनके पास, या तो एक काम करेंगे अपनी बेस ट्यूब रखेंगे, बोले लो 25,000 की है, 25 गाइस इनको उतरना देखे, मेरे को ऐसे लग रहा है यहीं से गाड़ी से यही उतरेंगे, बीच हाईवे पे यही रुकेंगे, इनको पैदल जाना है, इस ट्रक में बिठा के खंदा देता हूँ गाइस इनको मैं, खंदा दो खंदा दो खंदा दो खंदा दो खंदा दो गेट खोल के गाड़ी चला, तू गाड़ी चला, बकवास मत कर भाई। इतना तो समझ आ गया कि हम गिफ्ट देने के लायक नहीं है, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या दे। और लोकेश भाई इतना हैंडसम क्यों लग रहे हो आप? अरे यार लोकेश यादव हैंडसम है यार, रो यार आपकी गाड़ी पे आपने यादव लिखवा रखा ना, तो कोई रोकेगा भी नहीं अपन को। आपके सिस्टम भी हो जाएगा, बोले यादव यादव मजाक से हटके बताओ ना क्या गिफ्ट है उनको। यार देखो पहले एक तो यहाँ पे आगे चल गए चोमू से, मतलब केक वगैरह लेते हैं, बेकरी से केक लेंगे, चलो मैं भी और क्या बोल रहा हूँ कि चलो केक लेने लिख दो, क्या लिख दो, क्या लेके आ रहे हो? काका जी लिख दो, आई लव यू काका जी, आई लव यू लिखवा दूंगा, बर्थडे मेरी जान का, आई लव यू काका जी, बर्थडे मेरी जान का, केक मिला देख लो इतना घूम लिया, पकड़ो बैठोगे तो आप ही ना पीछे गाड़ी खोलो मान लिए भाई, देख रहे हो ऐसी सेवा मिलती रहती है तो अच्छा लगता है। बैठ जाओ चुपचाप शांति से, मैं भी सेवा करा देता हूँ। अब सीधा काका जी के घर पे चलते हैं, और काका जी आ गए बताए ऑफिस से। लीजिए जी गाइस फाइनली पहुंच चुके हम काका जी और के घर पे, और मुझे देख कैसा लग रहा है, मेहमान आए हुए मेहमान,
और मैं भी साथ में आज तो मेहमान ही लेके आया हूँ। आधार कार्ड में सब अपडेट हो जाएगा क्योंकि ई एज का आदमी कोई कौन बोलेगी कौन लाग रही, बाकी बड़ी एज का आदमी 100% या बोलोगी 30 साल को जाइयो छोड़ो। भाई चेक कर लो एक बार हमारे लोकेश भाई, ये देखना है स्पेशली कि बोले गोल्ड प्ले बटन कैसे होते हैं स्पेशल। अरे हराम से खुल गए आप लग गए यहीं पे है ना यार। अब ऐसे मतलब ऐसे बात कर रहे थे, अब मेरे को ऐसे लग रहे थे कैसे खुल गए। अरे वो तो दोनों को वो रहना चाहिए, काकी जी को तो आने दो। मारवाड़ी मस्ती और भी ज्यादा बूढ़ो लागू छू, मगर रीला वगैरह मैं लागू जान तो कोई 25-30 साल को, मगर रियल बात आज है की मैं 42 साल को हो बूढ़ो हो, मगर मेरा दिल जवान है। आदमी शरीर बूढ़ो हो जाए, जब तक उसका दिल जवान है ना तो उसको भगवान भी बूढ़ा नहीं कर सकता। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। हमेशा दिल जवान रहना चाहिए, उम्र 55 की दिल 55 का। ताली बजाओ, तालियां रुकने नहीं चाहिए। और इसको कौन बता सकता है कि ये 40 साल की है। आज भी 22-23 साल की औरतें लड़कियां इसके आगे पानी भरती है पानी। यार काकी ऐसा क्या खाती है क्या पीती है, बूढ़ी नहीं होती, एक सफेद बाल नहीं है बिल्कुल भी। हाँ बाल भी आज भी बाल मतलब कितने दे लंबे बाल है। कलर करार करार कलर वलर नहीं मार की खाबा की वाली चीज जैसे भी ना आदमी को शरीर खराब हो जाए आज तक की कटिंग मत करो, नेचुरल रहना चाहिए नेचुरल। अरे अगर गर्भवती कर ला तो कटिंग कराए बाद में तो लंबा हो जाए, मगर वाला गर्भवती कौन कर रहा। रोहन भैया सोच रहे बोले काटो काटो यार ताली बजा दो। सर आप तो आओ इधर, नहीं नहीं काकी जी के साथ आप आओ, ये मैं पकड़ा दो नया आ जाए जाए आओ आप लादो आओ सर आप भी आओ ये भी आ जाओ इधर आओ काजो काजो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे आप लोगों का प्यार प्रेम चाहिए नया किसी ने देखा किसी ने देखा।
ज्यादा जम रहा है ना, बोले भी तो भाई साहब। हैप्पी बर्थडे, आ जाओ रोनू भैया, लो मेरे को दे दो फोन। तो दोस्तों इस बूढ़े आदमी की खातिर वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आप एक कमेंट करके मेरे को जन्मदिन की बधाई दे सकते हो। बधाई तो ऑडियंस, हाँ व्लॉग आने से पहले पहले दे, माँ का थोड़ा अलग केबा की बात है कि कमेंट सेक्शन भर दो पूरा। हैप्पी बर्थडे काका जी, हैप्पी बर्थडे काका जी, आप जियो हजारों साल, आप जियो 2000 साल। ऐसे 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 भाई कृष्णा का फोन आ रहा है। हेलो डेट आज तो है भाई, बर्थडे भूल गई कृष्णा। धमकाओ धमकाओ। अच्छा मैं इनको आते ही मैंने बोला भी था पहले, तेरे को याद किया था कि वो कृष्णा कैसे नहीं आई। हाँ उसको बुलाओ पहले। ये लोग ऐसे बोल रहे हैं कि आजकल वो है ना बहुत बड़ी मॉडल स्टार बढ़ गई, तो वो अब नहीं आई। ये आयुष बोल रहा था मेरे को, उसके पास अब टाइम नहीं है। अरे भाई भाई जैसे अच्छा। जैसे फॉलोअर बढ़ते रहते आज भी बदल जाता है, हम इतने हमारा जाम हो रखा है वरना हम भी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल केक की जैसे जैसे एलवी यादव का मीटअप में चक्का जाम होता है ना, वैसे हमारे सब्सक्राइबर जाम हो गए। यूट्यूब मर गए आयुष जी, मेहनत प्लस किस्मत दोनों साथ देती है। किस्मत ज्यादा साथ देती है, दोनों ही साथ देती है। किसी की मतलब किस्मत साथ देती है तो वो अगर बाद में मेहनत करने लग जाता है ना, उसका यूट्यूब पे काम चलता रहता है। ये तो है यार, जो किस्मत कई बार ऐसे बैठा होगी यार, पहले अपना तो वीडियो ऐसे चल गया था, आगे भी चलेंगे तो फिर वो बाद में धीरे 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 फॉलोअप हो जाता है। वो तो है ही, जैसे कईयों को शुरुआत में मिल जाती है ना वो, फिर ठप भी जल्दी हो जाता है। बर्थडे बनाना है तुम तो, केक कटवाना है। केक कटवा दिए, अच्छा लगा मैं काका जी से मिलके, फर्स्ट टाइम था और मजा आ गया भाई। मजा आ गया ना, मजा आ गया एक ना। लो जी गाड़ी को निकलते हैं काका जी के घर से। क्यों भाई आ गया, मजा चलते हैं हम। लो बैठ जाओ आप। तो फाइनली राहुल मिल लिया आज काका जी से अपन भी भाई। फाइनली यार भाई केक वेक कटा दिया, अच्छा लगा उनसे मिलके, और भाई उनका नेचर बढ़िया था। क्यों आयुष भाई? हाँ, बढ़िया भाई, एक नंबर था नेचर, कुछ भी बोलो थे गाइस, बहुत अच्छा था। हमें बहुत अच्छा प्यार मिला उनसे और मोटिवेशन मिला, मेहनत करते जाओ सफलता मिलेगी अपने आप। हाँ। बस ये है। तो वाला है वाला, मेहनत करते रहो सफलता खुद ही। 2017 में स्टार्ट किया था भाई, सच में मतलब ऐसे इंसान नहीं देखे, मतलब मैंने काफी सारे यूट्यूबर्स देखे, मिला भी हूँ काफी से, मतलब मेरा तो होता रहता है कई लोगों से कॉलेब होता रहता है, लेकिन काका जी जैसे इंसान सच में नहीं। नाइस पर्सन, नाइस पर्सन। और भाई देखो अपने मारवाड़ी है, मारवाड़ी लोगों में पहली बात तो घमंड होता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। कितना यार, कितना अच्छे से ट्रीट किया यार, बिल्कुल डाउन टू अर्थ बंदे, चाहे कितने ही सब्सक्राइबर मैटर नहीं करते उनके लिए। वही बात वो आज भी ऐसे बोल रहे हैं कि मैं वही हूँ पहले से था। केक के लिए ऐसे बोले यार देख अपनी उम्र नहीं, अब केक वेक कटानी। वही हमारे देसी गाँव मम्मी पापा की जैसे सोच है उनकी भी, की बच्चों की खुशी के लिए केक, अब हम लेके गए, हम भी बच्चे ही हैं उनके एक, तो वो एक खुशी हमारी खुशी के लिए कि काट लिए कि हाँ चलो सब फैमिली बैठ के साथ केक कटवा दिया, अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा, उनको भी अच्छा लगा, देख के हम केक लेके आए उनके लिए। क्यों भाई ये तो है ना। और भाई अब हम निकल चुके हैं और वीडियो कर देंगे, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना जरूर। इस बार तो अच्छा ही व्लॉग दिखाया आपको, जो देखना था वो दिखा दिया, जो देखना था और क्या लोगे आप, जो देखना था वो दिखाई दिया। काका जी कर दिया 10K व्यूज का, ये तो कर दो 10K बस, काका जी पब्लिक कर देगी यार, काका जी की तो कर ही देगी पब्लिक यार।